राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, जो आज की वीडियो है, जैसे कि सावन लगने वाला है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को शिव रूप कैसे दे सकते हो? तो आप जो शिव रूप में श्रृंगार या तो पूरे सावन में कभी भी कर सकते हो या फिर शिवरात्रि पे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो हम कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार शिव रूप में। सबसे पहले तो हमें चाहिएगा बाघम्बर। तो चाहे तो आप बनी बनाई ड्रेस ला सकते हो, या फिर कपड़ा आता है उसकी भी बनवा सकते हो, या खुद आती है तो आपको खुद बना सकते हो। नहीं तो आजकल इजीली ना मार्केट में ड्रेसें भी मिलने लगी हैं। और एक हमें डमरू भी चाहिएगा, और जो लड्डू गोपाल जी के बाल हैं आप वो यूज़ कर लें। तो बाल भी हम यूज़ करेंगे, रुद्राक्ष की माला यूज़ करेंगे, और एक हमें त्रिशूल चाहिएगा। तो सारी चीज़ें आजकल मार्केट में इजीली ना मिल जाती हैं। तो आप एक त्रिशूल भी ले लें। तो ये मेरे पास त्रिशूल है, और हमें चाहिएगी लड्डू गोपाल जी के लिए, हम जो शिव शंकर का रूप देते हैं उनको, तो मस्तक पे उनके चंद्रमा विराजते हैं। तो हम किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, चाहे कागज़ से, चाहे कोई शीट है आपके पास उससे। तो ये मेरे पास त्रिशूल है, और ये मैंने ग्लिटर शीट से बनाया हुआ है चंद्रमा इस तरीके से। और जो लड्डू गोपाल जी को हम तीसरी आंख लगाएंगे, तो ये मेरे पास रेडीमेड आंख है। नहीं तो आप जैसे मस्तक पे वाइट चंदन लगा के और इस तरीके से आंख बना सकते हो आंख की शेप में, और बीच में एक ब्लैक डॉट लगा देना, तो तीसरी आंख भी बन जाएगी। और लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने ना इयररिंग भी बना रखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो मेरे पास माला है ना रुद्राक्ष की, तो मैंने एक एक मोती रख लिया है इस तरीके से। ये मैं कान में पहनाने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी को, और हाथों के लिए भी वैसे मैंने बनाए हुए हैं, तो ये हाथों के कंगन भी बना रखे हैं। तो चलो लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं, और इनको मैं पहनाने वाली हूँ ये वाली बाघम्बर की ड्रेस, और एक इनको लगाएंगे यहाँ पे पटका। ड्रेस पहना दी है बाघम्बर वाली, तो ये देख सकते हो जो हमारे शिवजी भगवान पहनते हैं ये वो ड्रेस है, और मैंने इनको एक लगा दिया ये पटका यहाँ पर। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये पटका ना सिंपल इसी तरीके से लगाया हुआ है मैंने, ये सिर्फ ऐसे लगा दिया है, ये इजीली लग गया है। तो मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी की भी मैं रेडीमेड लाई थी, जब सबसे पहले उन्हीं की ड्रेस आई थी, और ऐसी हमारे कृष्णा के पास भी है, और ये माधव बाबू को पहना दिया मैंने ड्रेस। तो अभी मैं आपको पूरी ड्रेस दिखा देती हूँ और इनका पटका। और अब हम सबसे पहले हम इनको पहनाएंगे माला। तो माला आपके पास जो भी हो, दो तीन तरह की आप इनको पहना सकते हैं। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को एक ही वाली माला पहनाऊंगी, थोड़ी सी ऊपर छोटी कर दूंगी और थोड़ी मैं बड़ी कर दूंगी, और एक मैं बड़ी वाली पहनाऊंगी इनको, रुद्राक्ष की जो माला है मेरे पास वो भी पहना दूंगी। तो माला आपके पास जो भी हो वो पहना सकते हो, नहीं तो रुद्राक्ष की आप एक माला लेके आ सकते हो, और ये तो मिल ही जाती है इजीली मार्केट में। तो अभी हमने लड्डू गोपाल जी को पहना दिए माला, और ये फिसल रही है जरा, अभी यहाँ पे मेरे को कुछ लगाना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से कर देती हूँ। तो माला हमारे लड्डू गोपाल जी ने पहन ली है, अब मैं इनको पहना दूंगी हाथों में इनके कड़े। तो ये कड़े पहन लिए हमारे लड्डू बाबू ने, तो मैंने इनको कड़े पहना दिए हैं। अब मैं इनको कानों में इयररिंग भी पहना दूंगी, और फिर हमें ना इनके बाल भी सेट करने हैं। तो ये मैंने इनको पहना दिए इयररिंग लड्डू बाबू को, तो आप ये देख सकते हो रुद्राक्ष के जो मोती हैं उनके मैंने इयररिंग बना लिए थे। अब मैं लड्डू गोपाल जी के पहले बाल लगाऊंगी, तो मेरे पास जो लड्डू गोपाल जी के कृष्णा के बाल हैं वो लगा रही हूँ मैं, ये वाले हैं जूड़ी वाले ही, और उनके जो भोले बाबा के होते हैं ऊपर जूड़ी होती है, आपने देखी भी होगी जूड़ा बना रहता है। तो और अब मैं पहना दूंगी एक फूल माला, क्योंकि फिर बाल लग जाते हैं ना तो वो बालों के ऊपर आएगी, और बालों का श्रृंगार भी करना है उतारने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं इनको एक फूल माला पहना दूंगी पहले ही। तो मर्जी आपकी, पहनाना चाहे पहना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके की माला या फिर आप फूल भी रख सकते हो आसपास। तो मेरे पास थी तो मैंने पहना दी। ये इनको जो हमने तीसरी आंख ले रखी है ना, तो तीसरी आंख जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, या तो आप
वाइट चंदन लेके लगा सकते हो सीधा इस तरीके से, और आइस की शेप में तिलक लगा सकते हो, और ब्लैक कलर की एक डॉट लगा दोगे तो तीसरी आग तैयार हो जाएगी। अब हम ना बाल लगाएंगे, ये जूड़े वाले बाल लगाने हैं, मगर ये हैं कृष्णा के और हमारे माधव बाबू के आएंगे छोटे, तो मैं एक बाल ना इनके ऊपर और लगाऊंगी जिससे इनका जूड़ा मोटा हो जाए, और बाल ये थोड़े से हम आगे कर लेंगे ताकि आगे दिखें घने से बाल। तो ये हमारे कृष्णा के ना इसलिए छोटे हैं, ये अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये थोड़े से छोटे हैं। अब मैं लगाऊंगी, जैसे कि ये मेरे पास बाल हैं, ये राधा रानी के बाल हैं, अगर आपके पास कोई बाल है अलग से तो वो लगा सकते हो, प्लेन बाल उसका जूड़ा बना सकते हो, अगर आपके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं, और वैसे तो उनके जूड़े वाले बाल आते ही हैं, आपने ये देखे होंगे छोटे केशव के हैं मेरे पास ये वाले बाल, इस तरीके के ये जूड़ा सही होता है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो माधव बाबू को मैं लगाऊंगी एक ये जूड़ा, और पीछे ना मैं मैंने ये लगा दिया जूड़ा, पीछे ना क्लैचर लगा दिया जिससे ये बाल रुके रहे। और अब मैं लगाऊंगी एक माला जूड़े के ऊपर, यहाँ पर मैं एक माला लगा दूंगी, और अब हम चंद्रमा विराजमान कर देंगे यहाँ पर मस्तक पर, और अब हम देंगे और अब मैं दे दूंगी त्रिशूल लड्डू गोपाल जी के हाथ में, और डमरू भी हम इनके हाथ में दे देंगे दूसरे वाले में, चाहे हम इस तरीके से भी रख सकते हैं, मगर मैं लड्डू गोपाल जी के हाथ में दूंगी डमरू, ये डमरू, तो मैं लड्डू गोपाल जी के हाथ में ये मैंने डमरू दे दिया, एक हाथ में त्रिशूल और एक में मैंने दे दिया इनको डमरू। और अब मैं ना छोटे से मेरे पास नाग देवता हैं, उनको भी मैं इनके गले पे विराजमान कर दूंगी, ज़्यादा बड़े तो है नहीं, छोटे से ही हैं, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे ही रख दूंगी इनके गले में, दिख नहीं रहे हैं वैसे क्योंकि ब्लैक कलर के हैं ना, तो ये मैंने विराजमान कर दिए हैं नाग देवता की, भोले का रूप लिया है हमारे लड्डू गोपाल जी ने। तो आपको कैसा लग रहा है हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भोले के रूप में। और अब कर देते हैं थोड़ी सी हम फूलों की वर्षा, थोड़ी सी फूलों की वर्षा, तो ये हमारे लड्डू बाबू का श्रृंगार हो गया है। तो आपको कैसा लग रहा है इनका श्रृंगार आप बताना कमेंट में। तो अभी इस वाली वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो और इनका श्रृंगार पसंद आया हमारे भोले बाबा का, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में, राधे राधे।